वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच का जो कि मुझे रिसीव हुई है। मैंने ऑर्डर की थी, ये बिल्कुल फ्री में मिली है। फ्री में यानी कि इसके हाफ प्राइस मुझे देनी पड़ी है। तो अगर आप भी ये फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो आपने मेरे यूट्यूब पे जो कम्युनिटी का ऑप्शन है वहाँ पे आपने पोस्ट लगी हुई देखी होगी, या आपने फेसबुक पेज पे मैंने पोस्ट दी हुई थी कि आप कोई भी चीज़ दराज से फ्री कैसे हासिल कर सकते हैं, या आपने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा हुआ देखा होगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने मंगवाई भी हैं चीज़ें, और मैंने भी दो चीज़ें मंगवाई हैं आज। पहले हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें क्या है कि एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, जिसका कोई नाम तो वहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन सबसे चीप प्राइस में आपको यही मिलेगी। तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मेरा नाम है सलमान अदीब, आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ये पहले से तो बिल्कुल ओपन नहीं है, और यहाँ पर इसके आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें मैंने जो है 536 रुपए दिए हैं, जो ये थी 1000 से ऊपर ही थी। तो अब हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ये पैकेट मिला है जो कि बहुत अच्छी तरह से बंद है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर एक और पैकेट है, तो ये बेशक ये इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने पैक किया हुआ है कि ये जोर के अगर नीचे गिरे भी तो इसको ये डैमेज होने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो ये है हमारी वॉच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल है, और ये कुछ इस तरह से है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में हमें सिर्फ ये दो चीज़ें मिलती हैं, एक उसके बेल्ट और एक हमें ये वॉच। तो इसमें हमें कोई चार्जर वगैरह नहीं दिया गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स में हमें ये दो चीज़ें मिली हैं, और वॉच भी यहाँ से मुझे लगता है पहले से ऑन है। तो ये वॉच पहले से ऑन है, और इसकी एलईडी जो है लाइट बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ये पता नहीं है इतनी, या इसको चेक करना पड़ेगा इसकी सेटिंग में जाके कि इसको हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चल तो रही है जी, अगर आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट कम है। तो इस वॉच का आप डिस्प्ले देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको नज़र आती है बैक साइड पे। इसके यहाँ पे इस पर भी प्रोटेक्टर लगा हुआ है, मैं इसको उतार लेता हूँ यहाँ से। तो ये इसका जो है वो सेंसर है जो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह जो है मेजरमेंट करता है। तो इसकी यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है सिर्फ इतनी सी लाइट ही मिलेगी, जैसा कि मैं तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना कम है कि आप जो है गर्मियों में इसको आउटडोर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अपनी एलईडी बंद करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अगर आप एलईडी बंद करते हैं तो आपको इसका जो है सही से डिस्प्ले नज़र आएगा। तो इसका डिस्प्ले कोई इतना ख़ास नहीं है, और जितने पैसों में ये इन्होंने दी है इतनों में ये काफ़ी है। तो इसमें आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर आपने सिंगल क्लिक करना है, यहाँ पे गोल सा इसका सेंसर है इस सेंसर पे। तो एक आपको इसका जो टाइम वाला है यहाँ पे डिस्प्ले, एक तो हमें ये मिलता है। तो उसके अलावा एक हमें यहाँ पे ये एक फीचर इसमें ये है। तो इसमें आपने करना क्या है कि इसको अगर आप प्रेस कर ही रखेंगे तो इसके जो है बाकी फीचर निकल आएंगे।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगला फीचर देखते हैं। यहाँ पे इसके अंदर एक ये फीचर है, इसको भी हम प्रेस कर ही रखते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर देखें, किसी भी चीज़ को आपने ओके करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ और ये ओके हो गया। फिर प्रेस करता हूँ और इसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब बैक जाने के लिए यहाँ पे हम बैक वाले पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो लॉन्ग प्रेस करते ये वापस आ गया। और उसके अलावा एक हार्ट का है, तो इसके बैक पे जो सेंसर लगा है ये भी चल रहा है, देखिए वर्किंग कर रहा है। तो उसके अलावा फिर मैं क्लिक करता हूँ, एक ये ब्लड प्रेशर का आ गया, उसके बाद ये पता नहीं अब क्या चीज़ है, और उसके बाद यहाँ पे फाइंड फोन का, अगर आपने मोबाइल के साथ अटैच करनी है तो आप यहाँ पे इसके मैसेज वगैरह मोबाइल के पढ़ सकते हैं। ये रीसेट का, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपकी वॉच जो है रीसेट हो जाती है। तो उसके अलावा यहाँ पे क्यूआर कोड, आप मोबाइल पे इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद इसकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो इसका डिस्प्ले ये, इसको हम लॉन्ग प्रेस करते हैं और यहाँ पे ये चेंज हो गया। सिर्फ ये दो ही इसमें दिए हुए हैं जो कि नॉर्मल से हैं, यानी काम चल सकता है। तो इसके जो है चार्जर का मैं कह रहा था, चार्जर जो है साथ नहीं मिलता चार्जर यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अमेज़ोन का चार्जर, ये आपके पास कोई भी चार्जर हो जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, उसके अंदर आपने क्या करना है कि इसको सिंपली इसको लगा देना है। तो ये सिंपली जैसे ही लगेगी तो इसके यहाँ पे बैटरी बनी हुई आ जाएगी, तो जब आप इसको चार्ज करेंगे तो ये इस तरह से चार्ज होगी। इसका कोई अलग से, जैसे दूसरी वॉचेस का आपको चार्ज मिलता है, इस तरह इसके साथ आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इसके बेल्ट हम देख लेते हैं, बेल्ट जो है ब्लैक कलर में है, बेल्ट नॉर्मल है, यानी काम चल जाएगा जितने आपको जितने का आपने पैसे खर्च किए हैं। तो मेरी पर्सनल राय यही है, इस रिव्यू में आपको यही कहूँगा कि अगर आपने ख़रीदनी है एंड्रॉयड वॉच और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो इसकी जगह आप ख़रीद सकते हैं GT08 या A1 क्लोन, वो भी आपको 1500 तक की, 2000 तक की मिलेगी। या आप DZ09 ख़रीद सकते हैं जो मैंने अभी पिछली वीडियो में अनबॉक्स की थी। तो ये सारी वॉचेस की मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, दो तीन रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर कर दूंगा। तो इसमें आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे सारी उन्होंने पहले से मेंशन की हुई हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, और रिव्यू में भी मैंने आपको बता दिया और मंगवाई कैसे सारा कुछ आपको बता दिया है। तो आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप यही मंगवाना चाह रहे हैं तो आप ये भी मंगवा सकते हैं, अगर आप कोई और मंगवाना चाह रहे हैं तो आप कोई और मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।